वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक ऑफिसर की सैलरी और एक क्लर्क की सैलरी का रेशियो है 25:9 और हमें यह भी बता दिया गया है कि क्लर्क का जो सैलरी है वो ऑफिसर की सैलरी से 10,000 रुपीज़ कम है। सो हम लिख सकते हैं कि ऑफिसर सैलरी इज इक्वल टू क्लर्क सैलरी प्लस ₹10,000। तो हमें ऑफिसर का जो एक्चुअल सैलरी है वो हमें फाइंड करना है। इसमें कि हमें चार ऑप्शन दिए गए। सो सबसे पहले हम ऑफिसर की सैलरी और क्लर्क की सैलरी का जो रेशियो है उससे हम दोनों की सैलरी को लेट कर लेंगे। लेट ऑफिसर्स सैलरी इज इक्वल टू 25x एंड क्लर्क्स सैलरी इज इक्वल टू 9x हो जाएगा। नाउ एज पर क्वेश्चन ऑफिसर सैलरी दैट इज 25x इज इक्वल टू होना चाहिए क्लर्क सैलरी दैट इज 9x प्लस ₹10,000। सो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 25x माइनस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 और 16x इज इक्वल टू 10,000। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 625। सो हमें x का वैल्यू मिल गया है। तो हम अब ऑफिसर्स का जो सैलरी है वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने 25x लेट किया था। सो ये हो जाएगा 25 × 625 इज इक्वल टू ₹15,625 जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। सो बी करेक्ट होगा। थैंक यू।